देखिए, चुनाव आयोग की ये हमारे संवैधानिक अधिकार है कि वो घोषणा करे चुनाव कब होंगे और कौन से डेट पे होंगे, कितने चरणों में होंगे। उन्होंने वो घोषणा की। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है राजनीतिक पार्टी होने के नाते, इस निर्णय के आधार पर हम जो है चुनाव में भाग लें, वो काम हम करेंगे। लेकिन स्पष्टीकरण की भी जरूरत है कि कहीं पर एक चरण, कहीं पर तीन चरण और बंगाल में आठ चरण, ये किस लिए हुआ? अगर वो स्पष्टीकरण देते तो बेहतर होता, लेकिन वो आया नहीं अभी तक। जो भी है, वो निर्णय जो लिए हैं उसकी तो अब आदेश है, तो वो तो पालन करना ही है हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में। इन सब के बीच जब पांच राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है, पश्चिम बंगाल में आठ फेज में चुनाव होना है, लेफ्ट पार्टी 28 तारीख को रैली करने जा रही है, आपको क्या उम्मीदें हैं पश्चिम बंगाल से और इन चुनावी राज्यों से? पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव आएगा और वो बदलाव होगा वामपंथी जनवादी और धर्मनिरपेक्ष विकल्प का। वो बदलाव जरूर आ रहा है, उसकी लहर साफ साफ नजर आ रही है लोगों के बीच में। एक तरफ आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ केरल में आप ठीक कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों में कैसा मैसेज जाएगा? बिल्कुल ठीक मैसेज जा रहा है, क्योंकि जो मकसद है बीजेपी को दरकिनार करना, कौन से राज्य में किस तरीके से वो संभव है उसके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। वो निर्णय ले रहे हैं और लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं, उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपकी मेहरबानी है मीडिया की, कन्फ्यूजन करने की कोशिश करें, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आपको क्या उम्मीद है केरल से, खासकर पश्चिम बंगाल से जहां लेफ्ट पार्टी का बेस रहा है? दोनों जगह पर बीजेपी की बढ़ती नहीं होगी, उसके ऊपर अंकुश लगेगा और केरल के अंदर फिर से वामपंथी सरकार आएगी। पश्चिम बंगाल में ये वामपंथी जनवादी धर्मनिरपेक्ष विकल्प का वो जो है वो आगे कदम बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में फिर से लेफ्ट पार्टी इस बार के चुनाव में मजबूत होकर उभरेगी? बिल्कुल। क्या वजह? वजह यह है कि जनता के सवालों पे जन संघर्षों में जो पहलकदमी जो वामपंथी पार्टियों ने की वो कोई नहीं किया, और पर्दा साफ हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर और उनकी जिस तरीके से लुढ़क रही है वो पार्टी, उससे स्पष्ट हो रहा है वो विकल्प नहीं है भाजपा का, विकल्प है तो ये वामपंथी जनवादी ताकतें हैं।